अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास में पूछे जाने वाला लाइट ओबिशा से बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने कुछ लाइट ओबिशा के क्वेश्चन को अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपने नंबरों को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस क्वेश्चन को समझने के लिए। डिस्क्राइब द सिटी ऑफ कपिलवस्तु एज इट लुक्ड लाइक ऑन द प्रिंस फर्स्ट विजिट। राजकुमार के प्रथम भ्रमण के समय कपिलवस्तु नगर जैसा लगता था उसका वर्णन कीजिए। वन डे प्रिंस सिद्धार्थ विजिट टू गो आउट ऑफ द प्लेजर हाउस एंड सी द वाइड वर्ल्ड। एक दिन राजकुमार ने अपने उस सुखों के भवन विलास भवन से बाहर निकलने की और इस विस्तृत संसार को देखने की इच्छा प्रकट की। When the king came to know of the prince's desire, जब राजा को राजकुमार की इस इच्छा की जानकारी हुई, he ordered that the city of Kapilvastu should look gay and happy for the prince's first visit. तो उन्होंने यह आदेश भिजवा दिया कि राजकुमार के भ्रमण के लिए कपिलवस्तु नगर को बहुत ही सुंदर और सुखमय रूप से सजाया जाए। Only beautiful things should come before the prince. केवल सुंदर चीजें ही राजकुमार के सामने आनी चाहिए। द अगली एंड पेनफुल सीन शुड बी रिमूव्ड। गंदी और दुख वाली चीजों को हटा दिया जाए। सो द सिटी ऑफ कपिलवस्तु वाज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। इसीलिए कपिलवस्तु को बहुत ही सुंदरता के साथ सजाया गया। स्ट्रीट्स, सड़कें या गलियां। द स्ट्रीट्स कवर्ड विद स्टोन्स वर स्वेप्ट। पत्थर वाली सड़कों को साफ किया गया। देवर स्प्रिंकल्ड विद वाटर बाय द वाटर कैरियर्स। वाटर कैरियर्स माने जलवाहक या भिस्ती। जलवाहकों के द्वारा उन पर पानी का छिड़काव किया गया। दे लुक्ड वेरी फाइन इन एवरी वे। उन्हें हर तरह से सुंदर बनाया गया। हाउसेस, घर। द हाउसेस वर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। घरों को सुंदरता के साथ सजाया गया। द हाउस वाइफ्स स्प्रेड फ्रेश रेड पाउडर ऑन द डोर्स। गृहिणियों ने दरवाजों के आगे ताजा लाल गुलाल छिड़का। दे हंग न्यू गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स ऑन देयर डोर्स एंड डेकोरेटेड द प्लांट ऑफ तुलसी। उन्होंने फूलों के नए नए हार अपने दरवाजों पर टांगे और तुलसी के पौधे को भी खूब सजाया। द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस वर ब्रश्ड। घरों की दीवारों पर की गई चित्रकारियों को भी ब्रश से साफ किया गया। रोड्स, मुख्य मार्ग। फ्लैग्स वर हंग ऑन द ट्रीज। वृक्षों पर झंडे लगाए गए। आइडल्स वर कवर्ड विद गोल्ड। मूर्तियों को सोने से ढका गया। ऑन द क्रॉसिंग ऑफ द रोड्स देयर वर अल्टर्स मेड ऑफ लीव्स। चौराहों की सड़कों पर पत्तों से वेदियां बनाई गईं। द सन गॉड एंड अदर गॉड्स वर शाइनिंग देयर। सूर्य देवता और अन्य देवता वहां प्रकाशित हो रहे थे। द पीपल वर फुल ऑफ जॉय। लोग खुशियों से भरे हुए थे। दे वर वियरिंग ब्राइट क्लोथ्स। वे अच्छे सुंदर चमकदार वस्त्र पहने हुए थे। दे वर लाफिंग। वे हंस रहे थे। दे थ्रू गार्लैंड्स इन टू द चैरियट। उन्होंने रथ पर हार चढ़ाए, हारों को फेंका। इट लुक्ड एज इफ दे वर एंजॉइंग लाइफ टू द फुल। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन का भरपूर सुख ले रहे हों। All of them were crying. वे सब चिल्ला रहे थे जय जय for our noble prince, हमारे राजकुमार की जय हो जय हो। A handsome Sakya boy threw flowers to the prince. एक सुंदर साक्य लड़का राजकुमार के ऊपर फूल बरसा रहा था। Prince Siddharth was glad to see pupils joy. राजकुमार लोगों की प्रसन्नता को देखकर बेहद खुश थे। He said, उन्होंने कहा, Fair is the world, संसार बहुत सुंदर है। In fact, वास्तव में the city of Kapilvastu looked a capital of some enchanted land. वास्तव में कपिलवस्तु शहर किसी जादू के देश की राजधानी सा प्रतीत हो रहा था। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया लॉन्ग क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उन सभी को शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।